अस्सलाम वालेकुम, आई एम विकास अहमद, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रॉयल मेट्रोपॉलिटन मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड एडवाइज एजुकेशन एडवाइजर्स। सो गाइस, मैं आपको कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ MBBS के हवाले से। अगर आप चाइना, यूक्रेन या रशिया के किसी स्टेट में, इन रशिया के जो स्टेट्स हैं, जो अब सेपरेट कंट्रीज़ हैं लाइक किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अब इनमें से किसी कंट्री में MBBS करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आजकल जैसे PMDC ने अभी अनाउंस किया है, कुछ दिन पहले अनाउंस किया है, आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना और रशिया की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्रीज़ हैं वो वैलिड नहीं हैं। उसकी रीज़न्स यही हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ WHO से अप्रूव्ड नहीं होती, वो उनका क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाती, जिस वजह से उन यूनिवर्सिटीज़ को WHO किक आउट कर देता है अपनी लिस्ट से। तो मैं कुछ चीज़ें, पेरेंट्स के जो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं। तो मिनिमम जो मार्क्स रिक्वायर होते हैं वो 60% रिक्वायर होते हैं फॉर MBBS। अगर आप चाइना से करना चाहते हैं, चाहे आप कहीं से भी करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम जो क्राइटेरिया मार्क्स का वो 60% है। देन इसके बाद एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आजकल इस मार्केट में सबसे बुरी चीज़ ये हो रही है कि हर कोई कंसल्टेंट्स बन के बैठा, हर कोई एजेंट बन के बैठा है। तो मेरी आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी से भी आप केस डील करें, किसी को भी डॉक्यूमेंट्स दें, उस ऑथराइज्ड पर्सन को दें, किसी प्रोफेशनल बंदे को दें, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल ना हो। तो इसलिए किसी ये $100-$300 के पीछे किसी ऐसे स्टूडेंट को या किसी ऐसे बंदे को आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स नहीं दें। और इसके बाद बड़ा आसान सा प्रोसीजर है एडमिशन्स के लिए, अगर आप हमारे भी कंसल्टेंसी ऑफिसेज हैं, हमारे ऑफिस से करना चाहें तो यू आर ऑलवेज वेलकम। इसके अलावा कहीं से भी करना चाहें, आपको कुछ सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट कार्ड चाहिए होता है एडमिशन लेटर के लिए, विद इन 3-4 वर्किंग डेज आपका एडमिशन लेटर आ जाता है। देन इसके बाद आपको पासपोर्ट और आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं। देन विद इन 15-18 वर्किंग डेज आपका वीज़ा लेटर आ जाता है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ऑफिस हैं, आप हमारे कोई भी ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल मेरा नंबर आपकी स्क्रीन